नमस्कार दोस्तों, माही डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको इस वीडियो में डीटीएच का जो नया लेटेस्ट वाला मॉडल आया है उसकी अनबॉक्सिंग करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ऐसा ही कुछ बॉक्स मिलेगा, तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है वो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, D2H का जो मॉडल नंबर है वो STBV4008IN है। एक एडाप्टर मिलता है, एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, एक AV केबल मिलता है और दो रिमोट चलाने के लिए दो पावर सेल भी उसमें मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको मार्केट डिस इंट्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एड्रेस दिया गया है, मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, D2H हेल्पलाइन। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। दोस्तों, इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो उसमें हमें ऐसा सब कुछ मिलता है, तो अब मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, ये हमें एक सेट ऑफ बॉक्स वाइट कलर का, जो उसका मॉडल नंबर V4008N है, तो ये आप देख सकते हो। यह हमें ऑन करेंगे तो लाइट चलेगी, ये D2H का लोगो है। यह एयर के लिए जो सेट टॉप बॉक्स, तो यहाँ हमें जो एंटीना का केबल आता है वही कनेक्ट कर देना है, और ये AV3RC पिन, ये जैक पिन है जो हमें कनेक्ट कर देनी है, और ये 12 वोल्ट DC का हमारा पावर का आता है, और ये रिसेट बटन है। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो, और ये USB का पोर्ट है। यहाँ हमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, यहाँ जिंग लिखा हुआ है। तो देखो, यहाँ हेल्पलाइन नंबर है, और यहाँ भी हमें हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ये नॉर्मल सेटअप बॉक्स है। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो, इस सेटअप बॉक्स के नीचे हमें ये स्टिकर भी दिया गया है, उसमें मॉडल नंबर, SR नंबर, चिप नंबर, DC नंबर, सभी कुछ दिया गया है। दोस्तों, हमें एक ये वाइट कलर का रिमोट मिलता है। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो, यह अच्छी क्वालिटी का रिमोट है, जो D2H लिखा हुआ है। हमें दो पावर सेल भी उसमें आते हैं। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो। दोस्तों, सेटअप बॉक्स को पावर देने के लिए हमें एक ये एडाप्टर ऐसा मिलता है जो D2H का लोगो है, और ये पिन हमें सेटअप बॉक्स में कनेक्ट कर देनी है। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो, ये 3RC AV केबल है जो हमें रेड, वाइट और येलो वो TV में कनेक्ट करनी है, और ये जैक पिन है जो हमें सेटअप बॉक्स में कनेक्ट कर देनी है, और साथ में हमें STD किट में जो केबल टाई और पी क्लिप्स भी मिलती है। रिमोट को चलाने के लिए हमें दो पावर सेल भी उसमें मिलते हैं। RG6 केबल का हमें दो कनेक्टर्स भी मिलते हैं। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो, यह हमें एंटेना से सेटअप बॉक्स कैसे कनेक्ट करना है और TV को भी कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हमें ये एक यूज़र मैनुअल भी उसमें मिलता है। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो। तो दोस्तों, उसमें एक स्टिकर भी ऐसा मिलता है, उसमें मॉडल नंबर भी सब कुछ सेटअप बॉक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।